मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी की लिस्ट आई। आरसीबी ने 8-8 धांसू खिलाड़ी किए बाहर। आरसीबी की लिस्ट से मच गई तबाही। मैक्सवेल को लेकर आया बड़ा अपडेट। आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होना है। इस मेगा ऑक्शन के बाद सभी टीमों की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन इस मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमें अपनी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने वाली हैं। इसी बीच अब आरसीबी की टीम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी की टीम में बड़े बदलाव किए जाएंगे। आरसीबी की बात करें तो उन्होंने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था, टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी, लेकिन फिर भी ये टीम खाली हाथ ही रही। आपको बता दें कि आरसीबी की टीम अभी तक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है। हालांकि इस टीम ने 3-3 बार आईपीएल का फाइनल जरूर खेला है, लेकिन ये टीम खिताब से दूर ही रही है। लेकिन अब बात आईपीएल के मेगा ऑक्शन की करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक आरसीबी ने तय कर लिया है कि उन्हें इस नीलामी से पहले कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करना है और कौन कौन से खिलाड़ियों को करना है टीम से बाहर। आपको बताएंगे कि आरसीबी कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीएल के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि कौन है आईपीएल में आपकी सबसे पसंदीदा टीम। इन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी आरसीबी। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है, लेकिन वो अभी आईपीएल भी खेलेंगे। कोहली ने पिछले सीजन के 15 मैचों में 741 रन बनाए थे। वो ऑरेंज कैप होल्डर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए थे। कोहली का आरसीबी के लिए रिटेन होना लगभग तय है। वे आईपीएल के 252 मैचों में 8004 रन बना चुके हैं। कोहली ने लीग में 8 शतक और 55 अर्धशतक लगाए हैं। कोहली इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं, तो ऐसे में कोहली को तो आरसीबी पक्का रिटेन करेगी। फाफ डुप्लेसिस। फाफ डुप्लेसिस टीम के काफी अहम खिलाड़ी रहे हैं। आरसीबी ने उनकी कप्तानी में पिछले सीजन में प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। डुप्लेसिस ने बैटिंग में भी कमाल दिखाया, लिहाजा उन्हें इस बार रिटेन किया जाएगा। डुप्लेसिस ने पिछले सीजन में 15 मैचों में 438 रन बनाए थे। इस दौरान 4 अर्धशतक भी लगाए थे। कैमरून ग्रीन। ग्रीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। उन्होंने पिछले सीजन में रन बनाने के साथ साथ विकेट भी लिए थे। ग्रीन ने 13 मैचों में 255 रन बनाए थे। इसके साथ ही 10 विकेट भी झटके थे। वो आरसीबी के लिए मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं। कैमरून ग्रीन कुछ मुकाबलों में टीम के लिए अहम भूमिका भी निभा चुके हैं। मोहम्मद सिराज। सिराज इस टीम के लिए हमेशा ही अहम कड़ी रहे हैं। ऐसे में आरसीबी की टीम सिराज को भी आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करने वाली है। ये तो बात हो गई उन खिलाड़ियों की जिन्हें आरसीबी की टीम रिटेन करेगी, लेकिन इस टीम से 8-8 तूफानी खिलाड़ियों की छुट्टी भी होगी। चलिए उन खिलाड़ियों के नाम आपको भी बता देते हैं। इन 8 खिलाड़ियों में नंबर 1 पर है ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 2 पर है विल जैक्स, रजत पाटीदार, महिपार लोमरोर, अनुज रावत, अलजारी जोसेफ, यश दयाल और करण शर्मा इस लिस्ट में शुमार है। आरसीबी ग्लेन मैक्सवेल के साथ साथ कई और खिलाड़ियों को भी बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल पिछले सीजन में कुछ खास नहीं कर पाए थे। हालांकि उनके लिए 2023 सीजन ठीक ठाक रहा था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी का मैक्सवेल को रिलीज करने का फैसला सही है? क्या आरसीबी को मैक्सवेल को रिलीज करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।